हेलो गाइस, लॉकडाउन में घर बैठे कमाना आप लोग भी चाहते हैं और मैं आपको इससे पहले भी दो तरीके बता चुकी हूँ जिसके थ्रू आप घर बैठे लॉकडाउन में भी कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको ऑलरेडी दो वो तरीके बता चुकी हूँ जिनके थ्रू आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करके या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। इन दोनों ही वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि घर बैठे कैसे कमाया जाता है विदाउट इन्वेस्टमेंट। ई कॉमर्स पोर्टल पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग में आप दूसरों की प्रोडक्ट एंड सर्विस को रेफर करते हैं और दोनों ही तरीके से आप अच्छा पैसा ऑनलाइन कमा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियोस देखने हो तो इनके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी। तो आज का वीडियो जो हमारा मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ वो भी इसी सीरीज़ का एक पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज बेचकर आप कैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप सीख सकें कि घर बैठे किस किस तरीके से आप ऑनलाइन कमा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ इंदु चौधरी, आपकी ऑनलाइन बिजनेस कोच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने के लिए आपको जो सबसे पहला काम करना होता है वो होता है रिकॉग्नाइज योर एक्सपर्टीज। आपको पहचाननी है अपनी वो एक्सपर्टीज जिसमें आपको इतनी नॉलेज हो कि अगर आप वो लोगों के साथ शेयर करते हैं तो लोग उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करें। अगर ऐसी कोई भी नॉलेज आपके पास है तो आपको उसको पहचानना है, उसको एक ऑनलाइन कोर्स के फॉर्मेट में बनाना है। वो आप वीडियो के थ्रू भी बना सकते हो या फिर एक डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हो। दोनों ही तरीके से ये चीज़ की जा सकती है। अगर आप इस तरीके से अपनी एक्सपर्टीज़ को लोगों के आगे शोकेस करते हो तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि कोई लोग होते हैं जिनको कुकिंग का बहुत शौक़ है या उसमें बहुत ही एक्सपर्टीज़ है, तो वो कुकिंग से रिलेटेड अपने कुछ कोर्स बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग हैं जो मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, उनमें मार्केटिंग की बहुत अच्छी स्किल्स है। कुछ लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, तो कोई सेल्स का बूस्टर होगा। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्किल सेट्स हैं फिटनेस से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जो लोगों के पास हैं। इतनी एक्सपर्टीज़ लोगों के पास है कि वो ऑलरेडी इन चीज़ों में बहुत ही महारथी हैं, तो वो लोगों के साथ सिर्फ शेयर करना शुरू करेंगे तो इसी से वो कमाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ ना हो बट आप ये काम करना चाहते हों, तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि आपके पास किस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है या जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो काम करना आपको अच्छा लगता है, उस चीज़ के बारे में आप अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करिए। उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सीखना शुरू करिए, ज़्यादा नॉलेज गेन करिए, एंड देन उसके बाद आप अपना खुद का एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं और उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आता है वो है आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। जी हाँ, आपको अपने खुद के ब्रांड की एक वेबसाइट बनानी है जिस पे आपको अपनी प्रोफाइल दिखानी है कि आप क्या थे, आप क्या करते थे, ये नॉलेज आपको किस तरीके से आई है, इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे देनी है। उसके अलावा आपको अपने कोर्स की डिटेल भी इस वेबसाइट पे मेंशन करनी है। साथ ही में अपनी इस वेबसाइट को आपने करना है मोनेटाइज। मोनेटाइज मीन्स कि आपको जो आपका ये कोर्स है वहाँ पर लिंक ऐसे देने हैं ताकि कोई भी अगर इस कोर्स को ख़रीदना चाहे तो वो इसको बाय कर सकता है। आई मीन टू से कि आप इसमें पेमेंट गेटवे लगाइए।
तो यहाँ से आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा कि जब आप इस चीज़ को लोगों को बताते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा कोर्स है, तो लोगों के पास कोई रास्ता हो उस ऑनलाइन कोर्स को ख़रीदने का। तो अपनी एक वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाइए। आप इसको बेसिक तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी वेबसाइट डेवलपर से ये बनवाएं, आप खुद से भी इस वेबसाइट को बना सकते हैं बहुत ईजीली। आजकल इट्स अ वेरी ईजी थिंग, बहुत ही ईजीली आप प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट खुद ही बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपने जो कोर्स है 3 Easy Steps टू डेवलप ई कॉमर्स वेबसाइट, उसमें बार बार लोगों को यही सिखाती हूँ कि आप बहुत ही बेसिक नॉलेज के साथ, बेसिक टेक्निकल नॉलेज के साथ भी अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पर अपनी वेबसाइट बनानी है, उसको लॉन्च करना है। अब अगला पॉइंट जो आता है वो है डिज़ाइन योर कोर्स। आपको अपना कोर्स डिज़ाइन करना है। कोर्स ऐसा होना चाहिए जो लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेकर अपना कोर्स बना दिया और लोगों को बेचना स्टार्ट भी कर दिया। फिर होता क्या है कि कुछ लोग उसको ख़रीद लेते हैं, पर बाद में जब उनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छी नहीं है तो वो आपके रिव्यूज़ बेकार कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये ज़रूर रीचेक करना है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन लोगों को देने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि जो पेमेंट उन्होंने करी है, जो भी पैसा उन्होंने दिया है, वो उसको बिल्कुल वर्थ करता है। अगर ऐसा ऑनलाइन कोर्स आप बना देते हैं जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो वही लोग आपके प्रोमोटर्स बन जाते हैं, आपके कोर्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। वो लोगों को बताना शुरू करते हैं कि एक ऐसे ट्रेनर हैं जो इस तरीके के कोर्सेज चलाते हैं और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी नॉलेज वो लोगों को देते हैं और रियली इट वर्क्स। अब आपका कोर्स बनके तैयार हो चुका है, आपकी वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है, आपने अपने कोर्स को वेबसाइट पे मेंशन भी कर दिया है, बट जब तक आप इसको प्रमोट नहीं करेंगे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ इस तरीके का कोर्स भी है जो लोगों की हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए आपको उसकी प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग करनी है। बट आपको पता ही होगा कि ऑफलाइन मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके हैं वो अब बहुत ज़्यादा, एक तो महंगे भी हो गए हैं, फिर उनकी रीच आउट जो है वो भी कम है। कम होने के साथ साथ उसमें आपको पता भी नहीं चल पाता है कि कितने लोग एंगेज हो रहे हैं और कितने नहीं। वहीं अगर आप अपनी प्रमोशंस ऑनलाइन करते हैं, अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन करते हैं, आजकल बहुत सारे सोशल मीडियाज आ चुके हैं, आप उस पर अपनी प्रमोशन करते हैं, तो एक तो ये बहुत ही आपको सस्ता पड़ता है, बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है, एंड उसके साथ साथ आपके पास डाटा भी होता है कि कितने लोगों तक ये पहुँच पा रहा है और कितने लोग इसके साथ एंगेज हो रहे हैं। तो आपके पास पूरा एक प्रॉपर डाटा होता है, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि सोशल मीडिया पे आप इसकी मार्केटिंग करिए, आप इसको प्रमोट करिए और लोगों को अपनी वेबसाइट तक लेकर आइए। अब फाइनली जब लोगों को आपके कोर्स के बारे में पता लग गया है कि आप इस तरीके के कुछ कोर्सेज में डील करते हैं, तो लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं। बट अब करना क्या है कि उनके सामने पेमेंट गेटवेज के ऑप्शंस होने चाहिए ताकि वो कोर्स को जल्दी से जल्दी अवेल कर सके। ये बहुत ही इजी सा टास्क है। आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करते हैं तो उसमें पेमेंट गेटवेज लग जाते हैं। उससे होता क्या है कि जो भी इंसान आपके इस तरीके के कोर्सेज में इंटरेस्टेड होता है और उसको लगता है कि ये कोर्स मेरे को एक्चुअल में बहुत हेल्प कर सकता है, तो वो इन पेमेंट गेटवेज के थ्रू जस्ट आपको जो भी आपका नेग्लिजिबल अमाउंट होता है उसको पे करके और इस इंफॉर्मेशन को, इस कोर्स को अपने लिए खरीद सकता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपकी ऑलरेडी प्रमोशंस आपने कर दी हैं और लोग आपके ऑनलाइन कोर्सेज को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, लोगों ने खरीद भी लिया आपका प्रोडक्ट, बट वॉट आफ्टर दैट। अब लोगों ने खरीद तो लिया है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहीं पर स्टक हो जाते हैं।
तो इस जगह पर आपको उनकी आफ्टर सेल हेल्प करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है आपके प्रोडक्ट को समझने में, तो आपको उनकी वहाँ पर हेल्प करनी चाहिए। उससे होता क्या है कि लोगों को इस कोर्स का अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हमारे ही कोर्स में भी आप देख सकते हैं कि हम लोगों को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है कि अगर किसी बंदे को ये कोर्स खरीदने के बाद भी कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, वो उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है और पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो एक एक्सपर्ट हैंड होल्डिंग के थ्रू वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं वो भी बहुत ही अच्छा सुझाव है। अगर बहुत सारे आजकल जैसे ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं मार्केट में, बट कोई भी अभी तक बहुत ही कम मैंने ऐसा देखा है कि आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। उससे होता क्या है कि सेल्स भी थोड़ा कम होती है, क्योंकि लोगों को सबकॉन्शियसली बहुत डर रहता है माइंड में कि मैंने मान लो खरीद भी लिया ये कोर्स और उसके बावजूद अगर मुझे इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला या मुझे उतनी हेल्प नहीं मिली या मेरा उससे उतना काम नहीं बना, तो क्या मैं इसको खरीदूं या ना खरीदूं। पर अगर आप इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो थोड़ा सा आपका जो टर्नओवर है वो बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को श्योरिटी दे देते हैं, उनके माइंड में एक श्योरिटी डाल देते हैं कि हाँ हम आपकी यहाँ पर हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो इसी तरीके से आप अपना ऑनलाइन खुद का कोर्स बना सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो आज ही आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब टाइम है आपको एक सरप्राइज देने का। यस, आज मैं अपने नए ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च करने वाली हूँ, एक्चुअली प्री लॉन्च करने वाली हूँ। लॉन्च होने में अभी इसको थोड़ा सा टाइम है, बट अभी ये जो कोर्स है उसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हाउ टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन कोर्स। आप अपना ऑनलाइन कोर्स किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्स, फुल सेटिंग्स, फुल सेटअप्स आपको दिए होते हैं। आपको जस्ट वो इन्फॉर्मेशंस को इम्प्लीमेंट करना है और डायरेक्ट अपना ऑनलाइन कोर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। बट मैं आपको बता दूं, ये कोर्स अराउंड आपको 5000 के लगभग का पड़ेगा, पर आज जो मैं आपको बताने आई हूँ वो प्री लॉन्च सेशन है। प्री लॉन्चिंग में मैं आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ। यस, ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है हमारे उस कोर्स के साथ जो हम ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं। वो कोर्स जिसमें आपको अपनी वेबसाइट खुद की बनानी होती है, जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो और जिसको आप ऑनलाइन सोशल मीडियाज पे किस तरीके से प्रमोट करना है ये मैं बताती हूँ। तो जो कोर्स आपको सिर्फ 2000 रुपये का पड़ रहा है, उसके साथ ये 5000 रुपये का कोर्स अभी कुछ दिनों के लिए फ्री मिल रहा है, सिर्फ तब तक के लिए जब तक ये कोर्स अभी मार्केट में आ नहीं जाता और लॉन्च नहीं हो जाता है। तो तब तक के लिए आपको ये कोर्स जो 5000 का है मिलने वाला है बिल्कुल ज़ीरो में। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा पूरी तरीके से उठा सकते हैं। अभी के अभी ऑर्डर करिए हमारा 3 Easy Steps टू डेवलप ई-कॉमर्स वेबसाइट, बिल्कुल बहुत ही आसान सा ऑनलाइन कोर्स है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ये जो हम कोर्सेज बनाते हैं ना, ये कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उनके सेटअप्स होते हैं, उनमें डायरेक्शंस होती हैं कि इस तरीके की डायरेक्शंस आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो कोर्सेज है ना, ये सेटअप्स हैं, ये सेटिंग्स हैं। आपको बिल्कुल टिप टू टिप बताया गया है कि ये करना है, ये करना है और ये करना है। और जैसे ही आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपका जो कोर्स है वो बिल्कुल इंस्टॉल्ड हो जाता है आपके बिजनेस के रूप में। तो अभी के अभी इस कोर्स को आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं बहुत ही इजी से 2000 रुपीज़ के रेट में। अब अगर इस कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अभी जाके इसको खरीद सकते हैं। तो
अगर इसी तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घर बैठे कमाने के नए नए तरीके सीखिए। उसके अलावा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अपने फ्रेंड्स को फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करना चाहते हैं तो इन वीडियोस को उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल आंसर यू।